हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत। आज हमारे मोदी सरकार ने हमारे पूरे भारत में बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही बड़े बड़े ऐलान के बारे में जानकारी बताई है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण और सभी बड़ी खबरों के बारे में सारी जानकारी बताने वाली है। दोस्तों बता दें कि आज की हमारी बड़ी खबर में हमारे मोदी सरकार ने कल से सभी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार आपके किस राज्य में सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, इसको जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा हमारे मोदी सरकार ने इस बैंक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो फिर आपको यह खबर जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, वरना आगे चल करके आपका बैंक खाता हो सकता है बंद। और इसी के साथ हमारे मोदी सरकार ने LPG घरेलू गैस सिलेंडर वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को जारी किया है। अगर आपके घर में LPG का घरेलू गैस सिलेंडर है तो आपको यह खबर जानना जरूरी है। और इसी के साथ हमारे मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। अगर आप किसी भी राज्य और शहर से हैं तो फिर आपको इस खबर के बारे में जानना जरूरी है। और भी बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया है, जिसकी सही और सटीक जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है और हमारी उम्मीद बनती है आगे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज जानकारी लेकर आने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो हमारे मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। और इस हमारे पेट्रोल और डीजल के नए रेट में हमारे मोदी सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल का रेट काफी बढ़ा दिया है। लगभग दोस्तों हमारे 4 राज्यों में पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है और आपका पेट्रोल 21 पैसे और आपका डीजल 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। तो ऐसे में आप यह बात जान लीजिए कि हमारे मोदी सरकार ने जिन जिन राज्यों में पेट्रोल और डीजल का नया रेट बढ़ाए हैं उनके नाम है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। यानी कि दोस्तों इन्हीं 4 राज्यों में हमारे मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दिया है और लगभग इन 4 राज्यों में 21 और आपके 24 प्रति लीटर आपके पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य की पेट्रोल और डीजल का कोई भी नया रेट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कल से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे पंजाब के सरकार अरविंदर सिंह ने बहुत ही बड़ी खबर को जारी कर दिया है। अगर दोस्तों वह भी पंजाब के छात्र हैं तो आने वाले कल के दिन से हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने आपके सभी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के बहुत ही बड़ी एडवाइजरी को जारी कर दिया है और लगभग हमारे सभी पंजाब में स्कूल कल से खुल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है हमारे पंजाब के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर ऐलान कर दिया है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप पंजाब राज्य से आते हैं और आपके कल से जो स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं वो आपके सभी नए नियम और नए शर्तों के साथ स्कूल कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि हमारे कैप्टन अरविंदर सिंह ने बहुत ही सख्त कदम के साथ स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर फैसला किया है। और इसी के साथ एक और छोटी सी खबर निकल कर आ रही है, हमारे असम सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल जाने वाली हर बच्ची को मिलेंगे 100 रुपए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे असम के मुख्यमंत्री ने बहुत ही बड़ी खबर को जारी कर दिया है। अगर आप भी असम राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके घर में कोई भी छोटी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ने जाती है तो उन सभी बच्चियों के लिए हमारे असम की सरकार की तरफ से महीने के अंत में 100 रुपए दिए जाएंगे। और यह व्यवस्था हमारे असम की सरकार ने सभी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लागू किया है। और इस व्यवस्था के लागू होने से असम की हर लड़कियों को महीने के अंत में 100 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, यह व्यवस्था और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को दिए जाएंगे जो स्कूल कॉलेज में फिलहाल में अध्ययन करती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिजली समझौते से अलग हुआ झारखंड, बिजली खरीदकर भुगतान करेगी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे बिजली विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सभी झारखंड के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बिजली के समझौते से झारखंड राज्य बिल्कुल अलग हो गया है। और अब से हमारे झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन ने सभी अपने झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए हमारे हेमंत सोरेन ने बिजली खरीद कर देने का फैसला कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी और बुरी खबर निकल कर आ रही है सभी झारखंड के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमारा झारखंड बिजली विभाग से अलग हो चुका है। और दोस्तों अब से आपके झारखंड राज्य में जो भी आपका बिजली आएगा वो सीधे आपके प्राइवेट संस्था से आएगा। यानी कि आपको एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से बता दिया है कि हमारा झारखंड राज्य बिल्कुल अलग हो चुका है और अब से आपके झारखंड राज्य में जो भी आपके बिजली और पानी का बिल आएगा वो सीधा आपके प्राइवेट संस्था से आएगा। आपके सरकारी संस्था से जो भी आपकी सुविधाएं मिलती थी वो अब से आपके झारखंड राज्य में नहीं मिलेगी। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, LPG ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, इन सुविधाओं ने दी बड़ी सौगात, जल्द उठाइए इसका लाभ।
साहब। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है तो फिर हमारे मोदी सरकार ने सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर को जारी किया है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से हमारा नया साल शुरू हुआ है उस दिन से हमारे मोदी सरकार कोई ना कोई घरेलू गैस सिलेंडर पर लाभ दे रही है। और फाली आज हमारे मोदी सरकार ने सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए फिर से बड़ा फायदा देने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है उन सभी लोग के लिए जिनके पास घरेलू गैस सिलेंडर है। अगर आपके घर में भी एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर है तो आने वाले 15 जनवरी 2021 के बाद हमारे मोदी सरकार सभी एलपीजी के ग्राहकों के लिए एक और बड़ा फायदा देने का प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि आपके एलपीजी पर कौन सा बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि हमारे घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से जो बड़ा तोहफा निकल कर आएगा तो मैं सबसे पहले अपने वाई फाई ज्ञान चैनल पर आपको बता दूंगा। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है सभी आधार कार्ड के यूजर्स के लिए। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो अब से आप घर बैठे बैठे पीवीसी आधार के जरिए अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो दरअसल बात कुछ ही है ना दोस्तों कि हमारा यूडीआई अपने ग्राहकों के लिए कोई ना कोई सुविधा लेकर आती रहती है, और आज यूडीआई ने फिर से अच्छी खबर को जारी किया है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है या आपके परिवार में किसी भी छोटे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आप घर बैठे बैठे बहुत ही सिंपल तरीके से अपने पीवीसी आधार के जरिए अपना आधार कार्ड तैयार कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से जाकर के वेबसाइट पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को घर से ही तैयार कर सकते हैं। और इस बात की घोषणा हमारे यूडीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नए साल में आरबीआई की पहली बड़ी कार्रवाई, 2 बैंकों पर लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, अगर आपका इन दोनों सरकारी बड़े बैंक में खाता है तो फिर आपको यह खबर जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी सरकारी बड़े बैंक में खाता तो होता ही है। तो इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस खबर को जान लीजिए, वरना अगर आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता रहेगा तो आगे चल करके आपको ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि हमारे आरबीआई ने 2 बैंकों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और इससे पहले आपके दिसंबर और आपके नवंबर और आपके अक्टूबर महीने में भी हमारे आरबीआई बैंक ने कई बैंकों पर जुर्माना लगाया था, राइट। और आज फिर हमारे आरबीआई बैंक ने 2 जिला सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। तो अगर आपका किसी भी सहकारी बड़े बैंक में खाता है तो अपने पैसों को जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे मोदी सरकार ने मुंबई के 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। तो वैसे में आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका खाता किसी भी सरकारी बड़े बैंक में है, जैसे कि HDFC बैंक में है, ICICI बैंक में है, SBI बैंक में है, तो आपका पैसा सेफ है। अगर आपका खाता किसी दूसरे बैंक में है, जैसे कि PNB बैंक में हो गया, जिला सहकारी बैंक में हो गया, अगर आपका खाता ऐसे करके किसी दूसरे बैंक में है तो अपने पैसे को जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए, वरना आगे चल करके हमारे RBI इन सभी बैंकों को बंद करने का फैसला कर लिया है। तो बस आज आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में लेटेस्ट बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। तो इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज का यही मुख्य समाचार टुडे ब्रेक न्यूज यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।